वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बनाने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग फेमस रेसिपी। कहाँ की फेमस है वो भी आप लोग मुझे बताइएगा। लेकिन चलो ठीक है, आपको सस्पेंस में नहीं रखते हैं, मैं बता देती हूँ। मैं आज बनाने वाली हूँ मुंबई की फेमस रेसिपी, जो है कि बड़ा पाव। और वो बड़ा पाव जिसपे मुंबई के 50% लोग जो है उसी पे ही निर्भर है, क्योंकि मुंबई में इतनी क्राउड है लाइफ कि वहां पे लोग जो है नाश्ता करने तक कभी टाइम नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, बस रास्ते में एक बड़ा पाव लेते हैं, खाते हुए निकल लेते हैं अपने ड्यूटी के लिए। तो आज मैं वही बनाने वाली हूँ। ये रेसिपी देखिए और बनाइए आप, इतनी बढ़िया रेसिपी है ना, मेरी तो फेवरेट है, आप लोगों की भी फेवरेट हो जाएगी अगर ये रेसिपी बना के खाए तो। जैसे मैं बताती हूँ, टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाइए और खाइए, फिर बताइए मुझे कि कैसा बना है। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून जो है इसमें डाल दिया है ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, मैंने सरसों ऑयल यूज किया है। ठीक है, इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा, और इसका टिप्स यही है, इसमें 1/2 टेबल स्पून जो है साबुत धनिया डालिए, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट आता है इससे। तो आप देख सकते हैं हमारा धनिया और जीरा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कटी हुई मिर्ची, हरी मिर्ची मैंने लिया है, और 1 हुए प्याज, ये मैंने एक छोटा प्याज ही लिया था और उसको बारीक कट कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से जो है, बहुत ज्यादा हमें नहीं इसको करना है, मुश्किल से 1 मिनट इसको पकाना है प्याज को। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो जो है ये कि ये ट्रांसपेरेंट से हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कलर कैसा है, जैसे ही सिर्फ 1 मिनट ही इसको पकाया है, अब देख लीजिए ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बाकी के मसाले। तो ये मैंने लिया है जिंजर और गार्लिक का पाउडर, इसकी रेसिपी भी मैंने बताई है कि ये कैसे बनता है। तो इसका आप रिक्वायरमेंट होगी वो जाके वो लिंक देख सकता है कि मैंने गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर कैसे बनाया है। तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसी के साथ इसमें मैंने एक धनिया पाउडर भी बनाया था, आप देख सकते हैं मेरे पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से देख सकते हैं कि मैंने धनिया पाउडर कैसे बनाया था। तो ये भी मैं डाल दूंगी 1/2 टेबल स्पून। ये मैंने कसूरी मेथी भी घर पे बनाया हुआ था, तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। इन सारी चीजों को हमें करना है ऐड, और इसके बाद इसको हल्का सा जो है 5 से 7 सेकंड के लिए चला लेना है, ये मसाले हो जाएंगे। इसके बाद हमें डालना है कुछ और भी मसाले। हम ऐड करने वाले हैं 1/2 टेबल स्पून हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, इसको भी हम थोड़ा सा जो है इसमें चला लेंगे ताकि कच्चापन निकल जाए हल्दी का। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इन मसालों से, क्योंकि होममेड मसाले हैं, और इसके सारे लिंक मैं शेयर कर दूंगी आप लोग को, आप देख सकते हैं। अब हम इसे पकाना है, हम डाल देंगे इसमें बॉइल्ड आलू, मैंने 4 आलू लिया है। इन 4 आलुओं को जो है ऐसे ही हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अब आप पूछेंगे कि ऐसे क्यों, ऐसे इसलिए कि ऐसे ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा क्रिस्पी हो जाते हैं, और इनको मसालों को जो है ऐड भी अच्छे से हो जाते हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, और ये रोस्ट हो जाते हैं थोड़े आलू, तो लग गए ना बहुत ही प्यारे। देखिए ऐसे ही हमें रखना है। अब हम इन आलुओं को इसी में जो है, क्योंकि हल्का रोस्ट हो चुका है आलू, तो इसी में हम इसको कट कर देंगे। ये मेरी कुछ टिप्स है, इससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है, आलू भी रोस्टेड आता है, उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है जितना कि इस तरह से आप अगर करते हैं ना, तो बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा खाने में, और आलूओं का भी बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा, और मसाले भी अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। तो आप ऐसे करके कट करके आप जो है छोटा छोटा इसको बाइंड कर सकते हैं। सारे मसालों के साथ हमारे आलू बहुत ही अच्छे हो गए हैं, और मैंने मैश भी इसको अच्छे से कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसमें हम और भी थोड़े से धनिया पाउडर डालेंगे, ये
प्यारा लुक आया, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। जब तक ये हमारे आलू जो है हो गए हैं, तब तक हम बना लेते हैं इसका बैटर बाउल और ये एक चागन। इसमें हम एक कटोरी बेसन लेंगे। बेसन को छानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें जो गुठलियां होती हैं वो जो है निकल जाती है, तो आप अच्छे से एक बार जो है छन्नी से छान लीजिए, वैसे गुठलियां रहने का चांस नहीं रहता है। तो ये है, मैंने अच्छे से छान लिया है और इसको हम रखेंगे साइड में। इसमें हम तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, जो मैंने पाउडर बनाया था। ये मैंने आधा टेबल स्पून जो है हल्दी लिया है, आधा टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिया, मैंने ये भी होममेड ही है, और ये है नमक स्वाद। आप ये देख के बनाइए कितना आप बनाने वाले हो, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से जो है थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और एक घोल तैयार करेंगे, फेटेंगे। देखिए 2 मिनट तक इसको बहुत ही अच्छे से फेटना, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ये बेस्ट होता है, जैसे हम पकौड़ों का बनाते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही चाहिए, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा। अच्छा मैंने धनिया पाउडर और बाकी मसाले डाले, उससे देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है। और बहुत लोग जो हम मार्केट से लेके आते हैं उसमें क्या होता है कलर ऐड होता है, लेकिन अगर आप घर के लिए बना रहे हो तो कलर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम केमिकल क्यों खाएं, है कि नहीं। तो इसीलिए आप कलर को अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे कलर नहीं चाहिए मिनट के लिए, तब तक ये जो है अच्छे से जो है सेट हो जाएगा। एक रोटी जितना होता है लोई उतना बड़ा बनाएंगे एक राउंड शेप, ये देखिए, और ऐसे ही बना के हम जो है इसको रख देंगे। दूसरा दिखा देते, देखिए मैंने इतना लिया है, इसको हमें ऐसे से राउंड राउंड करना है, और जैसे लड्डू बनाते हैं वैसे ही जो है इसको राउंड शेप देके ऐसे ही रख देते हैं। रेडी कर लेते हैं हम ये सारे बॉल को। तो मैंने ले लिया है एक पैन, और पैन में मैंने डाल दिया ढेर सारा ऑयल। ये ऑयल भी मैंने सरसों ऑयल लिया है, आप अगर चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो हम अब इसको हीट होने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये हीट ना हो जाए। तो हमारे ऑयल जो है गर्म हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही इसमें से धुआं निकल रहा है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप एक बेसन का वो बैटर लीजिए और एक ऐसे डाल के देख लीजिए, अगर वो तुरंत ऊपर आ जाता है मतलब तेल प्रॉपर हो चुका है। तो तेल हो चुका है, अब हम लेंगे अपने ये बॉल जो हमने बनाए थे, और इस बॉल को जो है कोट करेंगे इसमें बेसन के बैटर में। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे कोट करना है, ठीक है। और जो है हम अपने गैस को जो है स्लो कर देंगे, और फिर हम इसमें ऑयल में, जब हमारा ये वन साइड का आपको लगे कि हो चुका है, तो ये क्या होगा कि ऐसे ही जैसे ही आप करेंगे ना ये छोड़ देगा। देखिए आप कितना प्यार से छोड़ दिया इसने अपने तवे को, ये देखिए, और इसको हम फिर पलट देंगे। बहुत ही नॉर्मल हाथ से आपको पलटना है, नहीं तो क्या होगा कि जलने का चांस होता है कोई भी हम फ्राई चीज बनाते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दे के ही आप ये चीज को बनाइए। और देखिए मैंने पलट दिया है, दूसरी तरफ भी ये सिक रहा है। इसके साथ ही जो मैं टिप्स बताने वाली थी वो ये है, हम ये जो बैटर है इसके कुछ बनाएंगे बूंदे, ये जब तक वो हो गए ये भी हो जाएंगे। और इसके मैं क्या करने वाली हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, आप ऐसे ऐसे छीटे बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ना ये मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन इसका क्या बनाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है। यही है बड़े पाव की खासियत कि ये इतना मसालों के साथ रहता है, चटनी, तीखा, मीठा, मतलब इतने सारे इसमें टेस्ट होते हैं कि ये बहुत राजा कहते हैं फूड में। तो जब तक हमारे पकौड़े रेडी हो गए हैं तब तक हम बना लेते हैं इसके, जो मैंने ये बनाए थे ना इसके हमें बनाने हैं चटनी। जी हाँ, आपने इसके चटनी शायद ही खाया हो, लेकिन मुंबई की ये खास बड़े पाव के साथ ये चटनी मिलती है, तो मैं इसकी चटनी बनाऊंगी। इसमें ऐड करूंगी लाल मिर्च और लहसुन। आप देख सकते हैं ये बेसन के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उसके, और इसमें मैंने सिर्फ लहसुन डाला है और रेड मिर्ची का पाउडर डाला था, ठीक है। और हमें ये ड्राई बनाना है, इसी स्टेज पे बनाना है,
बस हमें चला देना है और हल्का सा नमक ऐड कीजिए, ज़्यादा नमक नहीं ऐड करना है क्योंकि जो हमने बैटर का जो बूंदी बनाया था उसमें ऑलरेडी नमक था, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मुंबई में जो बड़े पाव के साथ पाव खाते हैं वो थोड़ा पतला होता है, मुझे यहाँ पे वो नहीं मिला तो मैंने जो है जो पाव भाजी में खाते हैं ना मैंने वही पाव ले लिया है। और इसमें हम करेंगे फिल, तो इसमें मैंने अच्छे से कर लिया है सॉस को, तो मैंने कोट कर लिया है। अब हम डालेंगे ये चटनी जो हमने बनाए थे, तो इसमें मैं डाल रही हूँ चटनी, अब देखिए। और इस चटनी के बाद हम रखेंगे ये, रखेंगे हम अपने वड़े, और ये देखिए वाव बिल्कुल नाइस, देख सकते हैं लुक वाइज कितना प्यारा भरा फ्लफी और बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, तो ऐसे ही बनेगा। इसके लिए मैंने लिया है दो मिर्ची भी मैंने फ्राई कर लिए थे। तो अब हम करते हैं सर्व, और ये ऐसे ही खाते हैं पाव के साथ, ये ही वड़ा खाते हैं। और ये रही चटनी, अगर आप चाहें तो इसके साथ धनिया की चटनी या और भी किसी चीज़ की भी चटनी यूज कर सकते हैं, और भी टेस्ट में जो है सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन जो जिस तरह से खाते हैं उस तरह से मैंने मुंबई की ये फेमस डिश बनाई है, तो बताइए जरूर कि कैसा लगा। और अगर ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं आगे भी लाती रहूँगी, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।